दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी YouTube की वीडियो को किस तरीके से अपलोड कर सकते हो और मैं किस तरीके से अपलोड करता हूं। आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं अपनी वीडियो को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखो यार, अगर आप अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो आप लोगों को अपलोड करना सही से आना चाहिए, ठीक है। अगर आप सही से अपलोड करना जानते हो अपनी यूट्यूब वीडियो को तो आपकी वीडियो वायरल भी हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे तो मैं जो अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ, आप लोगों ने कई बार कमेंट भी किया है, तो मैं मेरी सारी वीडियो को जो अपलोड करता हूँ वो यूट्यूब के ऐप से अपलोड करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो अपलोड है वीडियो का जो ऑप्शन है वो यहीं से मैं अपलोड करता हूं अपनी वीडियो को। उसके बाद भी दोस्तों मेरी वीडियो वायरल होती है और मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी यूट्यूब ऐप से अपलोड करके अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। और काफ़ी सारे जो नए यूट्यूबर है दोस्तों, उनके दिमाग में एक डाउट रहता है और स्टार्टिंग में मेरे भी ये सवाल था कि यार अगर हम यूट्यूब के ऐप से अपलोड करते हैं हमारी वीडियो को तो हमारी वीडियो हो सकता है कि वायरल ना हो। क्योंकि उसका रीज़न ये दोस्तों कि जब भी आप यूट्यूब के ऐप से अपलोड करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता है, टैग्स लगाने का जो ऑप्शन है वो बाद में मिलता है, ठीक है। ऐसे में अगर आप यूट्यूब के ऐप से अपलोड करते हो तो हो सकता है कि आपकी वीडियो वायरल ना हो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 4 महीने से मैं जो है मेरी जो सारी वीडियोस है वो YouTube के ऐप से ही अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद देखो यहां पे एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने सेकंड पेमेंट बताई थी, 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है और 4 ही वीक हुआ है यहाँ पर आप देखो, ठीक है। तो वायरल हुई ये वीडियो और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि देखो YouTube के ऐप से भी जब हम लोग अपलोड करते तो हमें अपलोड करने का सही तरीका पता होना चाहिए कि हमें वीडियो को पब्लिश करना है डायरेक्ट या प्राइवेट करना है या अनलिस्टेड करना है, और टैग्स लगाने का जो ऑप्शन है वो हमें कहाँ मिलता है वो सारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यार बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपको अपलोड करना सही से आने लग गया तो आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बहुत ही बड़ा डाउट जो हमारे दिमाग में होता है आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को यार लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आप लोगों को YouTube के एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है, अपने चैनल को ओपन करना है इस तरीके से और वीडियो को बना लेना है जो भी आप अपलोड करना चाहते हो, वॉइस ओवर या फेस वीडियो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक वॉइस ओवर वीडियो बना रखी है मैंने, तो अपलोड वीडियो पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, एक बड़ी वीडियो जो कि 1 मिनट से ज़्यादा की है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो ये एक लॉन्ग वीडियो है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाएगा। शॉर्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन नहीं आता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ पर उसका SEO करना। अब यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो का आप लोगों को टाइटल देना है, देखो आपको वीडियो अगर वायरल करना है तो उसका जो SEO करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर रखना, जैसे कि आप लोगों को किस तरीके से टाइटल देना है, क्या कीवर्ड यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। केवल मैं इस वीडियो में आप लोगों को अपलोड करना बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी एक जो है, जैसे सपोज करो मैंने इस वीडियो में जो है यूट्यूब व्यूज़ कैसे बढ़ाए इसके ऊपर बताया, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो व्यूज़ कैसे बढ़ाए, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल कीवर्ड है यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, उसके बाद एक और कीवर्ड आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, YouTube वीडियो पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए यहाँ पे इस तरीके से। देखो ये दोस्तों मैं स्टार्टिंग में ऐसे कीवर्ड यूज़ करता हूँ जिन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप इंग्लिश में यूज़ करोगे तो सभी बड़े बड़े यूट्यूबर इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इस वजह से आपकी वीडियो सर्च में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में जो कीवर्ड है वो हिंदी में लिखोगे जैसे इस तरीके से तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा। बस आप लोगों को इतना करना है, उसके बाद यहाँ पे और 2 लाइन करके आप लोग जो है इसको 2021 ट्रिक इस तरीके से लिख सकते हो ताकि लोग जो आपके टाइटल को देखें तो आपकी वीडियो पे क्लिक करें। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इमोजी का भी यूज़ कर सकते हो अपनी टाइटल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अपनी वीडियो का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखना है जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखो मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना। स्टार्टिंग में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने टाइटल दिया उसको आप लोगों को यहाँ पे कॉपी कर लेना है इस तरीके से, पूरे टाइटल को यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में जो आपका कीवर्ड है वो आपके टाइटल से मैच करना चाहिए, तभी आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में यूट्यूब दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अबाउट करके आप लोग वीडियो के बारे में लिख सकते हो, आप इस वीडियो में क्या बताना चाहते हो, उसके बाद इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोगों को अगर SEO के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया के लिंक है और यहाँ पे इस तरीके से आप दूसरी वीडियो के लिंक आप दे सकते हो। उसके बाद आप लोग करना क्या है, यहाँ पे देखो जो प्राइवेट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो वीडियो को मैं डायरेक्ट प्राइवेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप पब्लिश करोगे तो आपको जो बाद में दोस्तों अगर आप वीडियो को डायरेक्ट पब्लिक करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को जो टैग्स आप लगाओगे तो वो रैंक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो यूट्यूब ऐप में जो है टैग लगाने का जो ऑप्शन है आपको नहीं मिलता है, केवल टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो को जो है प्राइवेट करके अपलोड करता हूँ, ठीक है। आप अनलिस्टेड भी कर सकते हो और प्राइवेट भी कर सकते हो यहाँ पे। उसके
उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप लोगों को, अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हो जैसे कार्टून से रिलेटेड अगर आपकी वीडियो है तो आप यस कर सकते हो, वरना यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है इस तरीके से। और एज रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे इसको नो कर देना, ठीक है। अगर आपकी 18 प्लस वीडियो नहीं है तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद लोकेशन यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो भी आपका लोकेशन है, तो मैं यहाँ पर राजस्थान देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ पर राजस्थान पर ओके करना है तो आपकी लोकेशन भी यहाँ से सेट हो जाएगी। उसके बाद प्ले लिस्ट, जो भी प्ले लिस्ट में आप इस वीडियो को रखना चाहते हो इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपलोड करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग जो है इसको लाइब्रेरी में जाके यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी में गए, योर वीडियो पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आप बता रहा है ये जो वीडियो है आपकी यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको काम करना है। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या स्टेप फॉलो करना है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये वीडियो में दोस्तों आप लोग देखोगे हमने प्राइवेट करके इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। ये अपलोड भी होना स्टार्ट हो गई है और इस वीडियो में दोस्तों अभी हम लोगों ने टैग्स नहीं लगाया, ठीक है। टैग्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो टैग्स आप पहले लगाना, उसके बाद वीडियो को पब्लिश करना, इससे आपके जो रैंकिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साथ ही आप लोगों का थंबनेल भी जो है आप लोगों को पहले ऐड करना है। अगर आप आई कार्ड यूज़ करते हो, एंड स्क्रीन यूज़ करते हो, तो आपको पहले करना है, ठीक है। तभी आपकी वीडियो वायरल होगी और आप लोगों की वीडियो जैसे पब्लिश होगी, अगर आपके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं तो आपकी जो लोग हैं जो आपकी ऑडियंस है वो आपके आई कार्ड को भी यूज़ करेगी, आपके एंड स्क्रीन से आपकी वीडियो को वॉच करेगी। तो ये पूरा काम आप लोगों को पहले करना है, थंबनेल बना के भी पहले आपको रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो हमारी वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड होने वाली है, ठीक है। और दोस्तों मैं पहले क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करता था, लेकिन यार प्रॉब्लम होती है क्रोम ब्राउज़र से। अगर आप यूट्यूब ऐप से अपलोड करते हो, जैसे ये मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, बीच में अगर किसी का कॉल भी आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें वीडियो कटती नहीं है, ठीक है, यहीं से वापस अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और पहले मैं क्रोम ब्राउज़र से अपलोड करता था और किसी में बीच में किसी का कॉल आ गया तो वहाँ पर वीडियो आपकी कट हो जाती है, तो आप लोगों की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, इसलिए मैं इसी से अपलोड करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो अपलोड हो गई है, इस तरीके से आपको दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जाना है अपने YT स्टूडियो में, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से अपने YT स्टूडियो में जाना है, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र पे भी जा सकते हो। तो मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ वीडियो अपलोड करने का, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोगों को जाना है और वीडियो यहाँ पे आपकी अपलोड हो चुकी होगी इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे पेंसिल का आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे कस्टम थंबनेल पे क्लिक करके आप लोगों को अपनी वीडियो का थंबनेल लगा लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो का अभी थंबनेल बनाया नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगाना है आप लोगों को थंबनेल। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखो टैग लगाने का ऑप्शन मिलता है नीचे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप अपनी वीडियो का टैग लगा सकते हो। और टैग्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो आप लोगों ने टाइटल दिया है, ठीक है, जैसे व्यूज़ कैसे बढ़ाए, यूट्यूब वीडियो पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए, यही आपका टाइटल टैग सबसे पहले होना चाहिए जैसे स्टार्टिंग में, तो आप लोगों की वीडियो का जो रैंक है वो बढ़ेगा। यहाँ पर मैं इसी तरीके से लगाता हूँ व्यूज़ कैसे बढ़ाए। उसके बाद दूसरा है यूट्यूब वीडियो पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए, यहाँ पे YouTube वीडियो पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए, ठीक है, ये मेरा दूसरा टाइटल हो गया, दूसरा टैग हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को टैग लगाना है और टैग भी आप लोगों को ज़्यादा लगाना है, ठीक है, हर तरीके से जैसे भी लोग आपकी वीडियो को सर्च कर सके उसको टैग लगाना है आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी वीडियो, अपने चैनल का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया बिना हैशटैग के, ठीक है। आप लोगों को अपने चैनल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो टैग में, टैग्स में। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे मोनेटाइज अगर आपका चैनल है तो यहाँ से मोनेटाइज करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है और ये सारे एडवर्टाइजमेंट आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको पब्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहले इसमें आई कार्ड एंड स्क्रीन लगाना चाहते हो तो आप क्रोम ब्राउज़र पर जाके इसमें आई कार्ड और एंड स्क्रीन लगा सकते हो, उसके बाद आप वीडियो को पब्लिश कर सकते हो। और यहाँ से दोस्तों मैं जो है इतना ही करता हूँ, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से वीडियो को जो है पब्लिक कर देता हूँ और उसके बाद क्रोम ब्राउज़र पर जाके इस पे वीडियो पे आई कार्ड और एंड स्क्रीन लगाता हूँ। अगर आप सबटाइटल वगैरह यूज़ करते तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये दोस्तों मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ मेरी वीडियो का, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को वायरल अपलोड करके यहाँ पे नहीं दिखा सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही आपको डेमो के लिए बताया है, तो इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर अपलोड करता हूँ YouTube के ऐप से। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी वीडियो 100% वायरल होगी, क्योंकि अपलोड करना आप लोगों को सही से आना चाहिए। इसके अलावा वीडियो का SEO करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।